वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थिंग दैट इज गैस्ट्रुलेशन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ब्लास्टुला तक हमने डिस्कस किया था एंड देन हमने देखा था कि कैसे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हुई थी और वो ब्लास्टुला जाके किस तरह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अटैच होता था, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते थे इम्प्लांटेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लास्टुला के बाद जो है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। सो व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन मींस कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला। सो ब्लास्टुला से अब क्या बनेगा? गैस्ट्रुला, ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को यहां मिलेगा दैट इज गैस्ट्रुला एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गैस्ट्रुलेशन में अगर हम देखेंगे तो इन गैस्ट्रुलेशन देयर आर थ्री जर्म लेयर्स विच आर फॉर्म्ड एंड दीज जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एंड दीज जर्म लेयर्स दे वी कैन से दिस इज बेसिकली मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। ये जो जर्म लेयर्स हमारे पास बनती है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, मतलब जो भी हमारे पास ये जो तीन लेयर्स हमारे पास फॉर्म होगी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, इन तीन जर्म लेयर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेगा और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स का अलग अलग फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे एक्टोडर्म की बात करें तो वो अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, एंडोडर्म की बात करें तो वो अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, उसी तरह से मेसोडर्म की बात करेंगे तो उनका एक अलग फेट होगा, उनका वो एक अलग ऑर्गन्स को डिवेलप करेंगे, ठीक है। So, इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम बात करते हैं ब्लास्टुला जो हमारे पास बना था और हमने कहा था कि ब्लास्टुलेशन में जो आउटर लेयर थी हमारे पास उसको हम कहते थे ट्रोफो एक्टोडर्म, ठीक है, एंड दिस ट्रोफो एक्टोडर्म दिस वी कैन से ये जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करती है एम्ब्रियो में, सो नो पार्टिसिपेशन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए ट्रोफो एक्टोडर्म का कोई भी रोल नहीं होता है। सो दिस लेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन ब्लास्टुलेशन, सॉरी गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास इनर सेल मास थे, ठीक है, लार्जर, दीज सेल्स आर लार्जर एंड दे आर अरेंज्ड इन अ काइंड ऑफ मास सेल्स, ठीक है, एंड दे दीज सेल्स आर नोन एज नॉब सेल्स और वी कैन से एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स। तो हम इन सेल्स को कहते थे एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स, दिस इज एम्ब्रियोनल नॉब और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दिस इज अ मास ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज इनर सेल मास एंड दीज आर लार्जर सेल्स, ट्रोफो एक्टोडर्म सेल्स आर स्मॉलर सेल्स। जो एम्ब्रियोनल सेल्स है ये पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए, गैस्ट्रुलेशन के लिए, ठीक है, ट्रोफो एक्टोडर्म पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है यहाँ पे। सो फिर हमने बात की थी कि जो सेल्स जो हैं ट्रोफो एक्टोडर्म के जो सेल्स टच हो रहे हैं या कनेक्ट कर पा रहे हैं इन एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स को, उन सेल्स को हम कहते हैं रॉबर सेल्स, सो दीज आर रॉबर्स सेल्स, ठीक है, ये हमने चीज डिस्कस की थी और इसको हम कहते थे कोरियोनिक विलाई, दिस इज कोरियोनिक विलाई। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैविटी थी दिस इज अ वी कैन से न्यूट्रिटिव फुल ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, ठीक है, तो न्यूट्रिटिव मटेरियल से भरी हुई जो कैविटी है इसको हम कहते थे दिस इज ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास सेल्स हैं एम्ब्रियोनल लॉब सेल्स, ये डिस्क लाइक सेल्स, स्फेरिकल लाइक सेल्स है, अब इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अब ये फ्लैट सेल्स कॉलमनर लाइक सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो पहली चेंज आएगी वो चेंज आएगी कि ये जो सेल्स हैं ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएंगे, पहले ये इस तरह से था डिस्क लाइक मास था हमारे पास, अब ये सेल्स जो है ये चेंज होके कॉलम लाइक सेल्स, टाल सेल्स वी कैन से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर इनका चेंज हो चुका है, ठीक है। और जो रॉबर सेल था हमारे पास या रॉबर सेल से वो भी जो है वो डिजेनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो रॉबर सेल्स
रॉबल सेल्स जो है दे गेट्स डी जनरेटेड, ठीक है, एक चेंज ये, और दूसरी जो चेंज यहाँ पे आई है जो मास सेल्स थे वो हम कहेंगे कि इस तरह से टाल लाइक सेल्स बन गए, कॉलम लाइक शेप होगी, ठीक है, डिस्क लाइक शेप हमें देखने को मिलेगी। सो ये दो चेंजेस अभी तक हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। रॉबर सेल्स दे स्टार्ट टू रीजनरेट एंड दी एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स दी सेल्स हियर दे स्टार्ट टू बिकम फ्लैटेंड एंड दे स्टार्ट टू फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज कह सकते हैं इस तरह से रॉबर सेल्स जो है वो डिजनरेट हो चुके हैं और इन सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो टार लाइक कॉलम लाइक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही रॉबर सेल्स पूरी तरह से यहाँ से चले जाएंगे, पूरी तरह से ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि ये जो एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स है हमारे पास जो अब फ्लैट सेल्स हो चुके हैं, ये अब शिफ्ट हो जाएंगे इस पोजिशन पे जहाँ पे जहाँ से रॉबर सेल्स जो है वो डिजनरेट हो। तो हम देखेंगे इस तरह से दिस इज ट्रोफो एक्रोडर्म एंड ये जो सेल्स है हमारे पास जो एम्ब्रियोनल मास सेल्स से पहले अब वो डिस्क लाइक हो गए, ये डिस्क लाइक कॉलमनर सेल्स टाल सेल्स जो है ये शिफ्ट हो गए हैं जहां से एम्ब्रियोनल जहां से रॉबर सेल जो है वो रिमूव हुए थे उस वो वाली पोजीशन अब इन सेल्स ने जो है वो टेक प्लेस कर, ठीक है। तो ये वाली चेंज हमें देखने को मिली। सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थर्ड चेंज, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सेल्स है हमारे पास, ठीक है, जो जिन्होंने अभी हम कह सकते हैं कि जो रॉबर सेल्स की पोजीशन ली है इन्होंने, ठीक है, या हम कह सकते हैं हाँ ये रॉबर सेल्स की जिन्होंने पोजीशन ली है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डिवीजन होगी, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स डिस्क सेल्स जो है ये डिवाइड करेंगे एंड दे रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। सो अब ये वाले सेल्स जो है ये वाले सेल्स अब ये डिवाइड होंगे, यहाँ पे डिवीजन होगी इन सेल्स में, इन कॉलमनर लाइक सेल्स में, टाल सेल्स में, और अब हमारे पास दो तरह के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे इसकी डिवीजन से, ठीक है। एक तरह के सेल्स को हम कहते हैं कॉलमनर सेल्स जो है, और जो इनसे जो दूसरे सेल्स अराइज हुए हैं उनको हम कहेंगे क्यूबॉइडल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। एंड जो कॉलमनर सेल्स हैं दे आर लार्जर सेल्स एंड दिस लेयर इज नोन एज एपीब्लास्ट, और वी कैन से दीज कॉलमनर सेल्स आर नोन एज एपीब्लास्ट सेल्स। सो हम इनको एपीब्लास्ट सेल्स कहेंगे, और जो डिवाइड होके जो नीचे वाले सेल्स हैं हमारे पास, जो निचली लेयर हमारे पास बनी है, ठीक है, उनको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। सो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स की हमारे पास फॉर्मेशन हुई, कॉलमनर और क्यूबॉइडल लाइक सेल्स हमारे पास बने, लार्जर और स्मॉलर सेल्स हमारे पास हमें देखने को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि जो अपर लेयर है विच इज नोन एज एपीब्लास्ट, दिस एपीब्लास्ट वी कैन से दिस एपीब्लास्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। हाइपोब्लास्ट जो है अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जो पार्टिसिपेशन दिखेगी वो हमें एपीब्लास्ट सेल्स की दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। सो the upper layer is known as epiblast and the lower layer is known as hypoblast and epiblast can take part in embryo formation. अब यहाँ पे इन सेल्स से क्या होगा, इन सेल्स में फर्दर डिवीजन होगी और हमारे पास जो लेयर देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी एंडोडर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली लेयर हमारे पास डिवेलप हो रही है वो हो रही है एंडोडर्म। जो फर्स्ट लेयर जो बनती है ह्यूमंस के केस में वो बनती है कौन सी, एंडोडर्म। सो एंडोडर्म द फर्स्ट लेयर विच इज प्रोड्यूस्ड इज एंडोडर्म। एंडोडर्म लेयर क्या है हमारे पास कि ये जो कॉलमनर लाइक सेल्स हैं जिनमें डिवाइड होना है एपीब्लास्ट लेयर जो है ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इस तरह से ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरह से ये सेल्स डिवाइड करेंगे और फाइनली ये जो यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड करेंगे और यहाँ से ये डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। जहां से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं एपीब्लास्ट लेयर से वहां से ये सेल्स जो है वो डिटैच हो जाएंगे, डीलेमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीलेमिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स, ठीक है। मतलब जो सेल्स बन रहे हैं हमारे पास वो इस तरह से डिटैच हो जाएंगे और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे, इस तरह से हम दिखा सकते हैं रफली, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से पूरी हमें एक लेयर देखने को मिलेगी और इस लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म। फर्स्ट लेयर जो
गैस्ट्रुलेशन के टाइम ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जो पहली लेयर बनती है वो बनती है एंडोडर्म फॉर्मेशन एंड दिस एंडोडर्म फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड बाय द डीलैमिनेशन ऑफ एपिब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे दो चीजें देखने वाली है। एक चीज वो है कि जो एंडोडर्म लेयर हमारे पास यहाँ बनी हुई है, जो हमें एंडोडर्म लेयर यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो वाला पोर्शन जो इस वी कैन से जो एम्ब्रियोनल कॉलमनर टाल लाइक सेल्स है, जो उनके साथ जो सेल्स अटैच हो रहे हैं या जो सेल्स उनकी तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सेल्स आगे जाके बनाएंगे प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट मींस वो एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करेंगे। एलिमेंट्री मतलब एंडोडर्म की वो वाला पोर्शन, वो वाली साइड जो अटैच हो रही है किसके साथ, एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ, या हम कह सकते हैं कि कॉलमनर सेल्स के साथ। तो वो वाली लेयर क्या बनाएगी आगे जाके, एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करेगी। और जो ये वाली लेयर है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से हम दिखाएं, ये वाली जो लेयर है इस तरह से, ये वाली जो लेयर है, ये वाले जो सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगे आपके वी कैन से यॉर्क सैक की। ठीक है, तो जो ट्रोफो एक्टोडर्म सेल के साथ अटैच है, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रोफो एक्टोडर्म लेयर के साथ वाले जो सेल्स हैं, या उसकी तरफ वाले, उसके फेस वाले जो सेल्स हैं, वो यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करेंगे, और एंडोडर्म की वो वाले सेल्स या वो वाली साइड जो एम्ब्रियोनल सेल्स की तरफ है, वो फॉर्मेशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो हमारे पास दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, यॉर्क सैक फॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कैनाल फॉर्मेशन। सो दिस इज एंडोडर्म। यॉर्क सैक की बात करें तो यॉर्क सैक इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड इट स्टोर्स यॉर्क इन केस ऑफ एग्स और एम्ब्रियोस, वेयर यॉर्क इज द न्यूट्रिटिव मटेरियल, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस दिस यॉर्क सैक इज हाईली रिड्यूस्ड बिकॉज द कंप्लीट नरिशमेंट इज गोइंग टू कम्स फ्रॉम द दैट ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच वी कॉल प्लेसेंटा। तो यहाँ पे यॉर्क सैक की तो जरूरत नहीं पड़ती है ह्यूमंस के केस में, लेकिन हाँ जहाँ पे एग्स जो ओविपेरस एनिमल्स हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो पूरे का पूरा एग्स से मिलता है, वहां पे हम देखेंगे कि यॉर्क सैक जो है वो हाईली डेवलप होती है, लेकिन ह्यूमंस के केस में एग जो है यॉर्क सैक का कोई इतना ज्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारा का सारा प्लेसेंटा से जो है वो परफॉर्म किया जाता है वो वाला फंक्शन। सो ह्यूमंस के केस में यॉर्क सैक जो एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। देन इसके बाद जो लेयर बनती है एंडोडर्म के बाद, सेकंड लेयर जो बनती है वो बनती है मेसोडर्म लेयर। ठीक है, सो दिस इज एंडोडर्म लेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस तरह से मेसोडर्म लेयर जो है वो बनती है। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक जो है दैट इज कॉडल एंड, ठीक है, यहाँ पे यॉर्क सैक बना हमारे पास। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाई है लेयर, दिस इज किस तरह से एंडोडर्म जो है हमारे पास बना। ठीक है, तो इसी का स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि मैंने इसी में ये चीजें दिखा दी आपको कि एंडोडर्म फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेसोडर्म नेक्स्ट लेयर जो है वो होगी मेसोडर्म। सो नेक्स्ट जो लेयर बनेगी मेसोडर्म, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉलमनर सेल्स है या टाल सेल्स है, इनमें दो एंड्स होते हैं, एक होता है सिफेलिक एंड, एंड ये वाले, इस वाले एंड को हम कहते हैं कॉडल एंड। ठीक है, सिफेलिक एंड एंड कॉडल एंड। अब जो कॉडल एंड वाले जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, वो सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे, उनमें डिवीजन होगा। सिफेलिक एंड के जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन नहीं होने वाली। सो जो कॉडल एंड में या कॉडल एंड वाले जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल लॉ के, उनमें जब डिवीजन होगी तो ये इस डिवीजन से जो सेल्स बनेंगे दैट सेल्स फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लंप्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से क्लस्टर्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज दिस लेयर, ये लेयर बन जाएगी, इसको हम कहेंगे मेसोडर्म। सो दिस इज नोन एज मेसोडर्म। सो सेकंड लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड हियर इज मेसोडर्म, फर्स्ट इज एंडोडर्म। सो सेकंड लेयर मेसोडर्म बनेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लंप्स या इन द फॉर्म ऑफ लेयर भी ये बन सकती है। ठीक है, लास्ट जर्म लेयर व्हिच वी कैन सी हियर इज दैट इज एंडोडर्म। देन फाइनली जो लेयर बनेगी दैट इज एक्टोडर्म।
अब क्या होगा यहाँ पे एक्टोडर्म में जो रिमेनिंग सेल्स होंगे एम्ब्रियोनल लॉब के दे स्टार्ट टू डिवाइड एंड व्हेन द न्यू सेल्स आर फॉर्मड दे स्टार्ट टू मूव इनवर्ड्स अलोंग द ट्रोफो एक्टोडर्म. ठीक है, तो इस तरह से इनवर्ड्स अलोंग दिस एंड दिस इज नोन एज एक्टोडर्म. सॉरी दिस इज एंडोडर्म. अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो दिस इज एंडोडर्म. ठीक है, दिस इज नोन एज एंडोडर्म. एक और यहाँ पे हमें चीज देखने को मिलती है एम्ब्रियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन. इस तरह से अगर हम देखेंगे जो डिस्टेंस है ट्रोफो वी कैन से एक्टोडर्म और आपके जो कॉलमनर सेल्स हैं उनके बीच में वी कैन से यहाँ पे इस तरह से एक कैविटी डेवलप होती है. इसको हम कहते हैं एम्नियोटिक कैविटी. ये एम्नियोटिक कैविटी इस तरह से इस पूरे एम्ब्रियो जो है वो कवर करके रखती है. दिस एम्नियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद एम्नियोटिक और इसी एम्नियोटिक फ्लूइड में जो है ये एम्ब्रियो जो है वो डिवेलप करता है. ठीक है, सो इस तरह से एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन. फर्स्ट जो लेयर फॉर्म होती है दैट इज एंडोडर्म, सेकंड इज मेसोडर्म एंड फाइनली जो थर्ड लेयर फॉर्म होती है दैट इज एक्टोडर्म. तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर पहले बनती है, कौन सी बाद में और कौन सी देन आफ्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, सो थैंक यू.